हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना ई पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं फ्रेंड्स। अगर आप प्रोसेस बताने से पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल सेक्शन में आ जाना। यहाँ पे आपको टाइप करना है पैन कार्ड डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला लिंक आएगा, डाउनलोड ई पैन कार्ड NHDL। इस आपको लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पैन कार्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप दो तरीकों से अपना ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला एक नॉलेजमेंट नंबर द्वारा और एक पैन कार्ड नंबर से। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पे अपना आधार कार्ड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईयर्स। अगर आपके पास GST नंबर अवेलेबल है तो आपको GST नंबर डाल देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन को सेट कर लेना, उसके बाद इसको कैप्चर को फिल करके सबमिट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर चुका हूँ, उसके बाद कैप्चर भी फट डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट कर दिया है। फ्रेंड्स, सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर और मोबाइल आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने चाहे तो आप ईमेल आईडी पे आप OTP ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल पे लेना है तो इस पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके OTP नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास OTP नंबर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना OTP नंबर डाल लेता हूँ। जो भी फी OTP नंबर आएगा उस OTP नंबर को यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना OTP नंबर डाल लेता हूँ फ्रेंड्स। डालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देंगे, एक तो डाउनलोड PDF और एक तो XML में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे PDF के ऑप्शन पे आप मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पैन कार्ड PDF में नीचे डाउनलोड होकर आ चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पे एक आपको प्रोटेक्ट फाइल ओपन होकर आ जाएगी। तो यहां पे आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड क्या डालना फ्रेंड्स, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालना होगा। तो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ मैं आपको ना तो यहाँ इसमें कोई डैश लगाना है और ना तो कोई स्लैश डालना है। तो सीधे डायरेक्ट अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ डालने के आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन हो जाएगा ये हमारा ई पैन कार्ड है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इस तरीके से अपना ई पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।